बिल्कुल। और देखिए, चंद्रशेखर की हालत में सुधार की जानकारी मिल रही है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल बताई जा रही है। पेट के अंदर गोली और छर्रे नहीं है, ये डॉक्टर्स ने कहा है। चंद्रशेखर बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स ने अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी दी है। तो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि चंद्रशेखर की हालत ठीक है और उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। पेट के अंदर गोली और छर्रे नहीं मिले हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है। देखिए चंद्रशेखर जी, जो हमारे यहाँ आईसीयू में हमने उनको भर्ती किया है, वो बिल्कुल ठीक हैं। उनका हमने डिजिटल एक्सरे भी करा लिया है, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है और पूरा हमने देख लिया है कि पेट के अंदर कोई भी ना तो कोई गोली है ना कोई छर्रे हैं। और एक हमने डॉक्टरों का पैनल बना दिया है जिसमें फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और मैं खुद इस चीज़ को लगातार देख रहा हूँ उनकी कंडीशन को। और इस समय बिल्कुल स्टेबल हैं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर उनका फ्लक्चुएट कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। वहीं इस गोलीकांड के बाद आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर ने भी अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सुनिए चंद्रशेखर ने और क्या कुछ कहा है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरह का हमला हो जाएगा। बस मैं अपील करूंगा साथियों से, देशभर में हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक कार्यकर्ता हैं, कि वो शांति बनाए रखें। हम आगे की सारी लड़ाई संवैधानिक कैसे लड़ेंगे, ये गोली की भाषा हम नहीं। तो बस मैं उनसे अपील करूंगा कि वो शांति बनाए, त्यौहार भी है तो शांति बना के शांति के माहौल में रहें। उनका प्यार और करोड़ों आशीर्वाद है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो शांति बनाए रखें। तो सीसीटीवी, गोली और सबूत, और सवाल सबसे बड़ा यह है कि चंद्रशेखर का दुश्मन कौन है। बिग बॉल और ग्राफिक्स के जरिए कुछ और डिटेल्स इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते हैं और ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे गोलीकांड को कैसे अंजाम दिया गया। सवाल यह कि कहां जा रहे थे चंद्रशेखर। दिल्ली से सहारनपुर के लिए चंद्रशेखर रवाना हुए थे, सहारनपुर की सीमा में दाखिल हुए, उसी दौरान ये गोलीकांड को अंजाम दिया गया। सहारनपुर के छुटमलपुर स्थित अपने घर पर जा रहे थे, जहां के वो रहने वाले हैं, उसी दौरान इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। खतौली, मुजफ्फरनगर और देवबंद के रास्ते वो अपने घर पर जा रहे थे और उसी दौरान इनकी गाड़ी को ट्रैक किया गया, हमले को अंजाम दिया गया। छुटमलपुर से पहले देवबंद में, यानी सहारनपुर से लगभग 20 किलोमीटर पहले देवबंद के इलाके में इस हमले को अंजाम दिया गया, जब चंद्रशेखर अपने घर जा रहे थे। तो इस तरह से पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है और हमलावरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और चंद्रशेखर पर हमले को लेकर समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देखिए, जिस तरह की ये आज देवबंद में घटना हुई है दिन दहाड़े, ये बहुत दुखद है और पुलिस प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना का होना। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 4 राउंड गोली चली है, जो जिस तरह से हमने गाड़ी को देखा है उसमें शीशे पड़े हैं, जिस तरह से सीट में गोली घुसी हुई है। अभी हम चंद्रशेखर भाई से मिलकर के भी आए हैं, जिस तरह से देखा है कि उनके पेट को छूकर के गोली निकली है और बहुत गहरा घाव है। मेरा यही है कि ये बहुत गंभीर घटना है, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जब एक गरीब तबके का व्यक्ति जो है वो चढ़ता है ऊपर की ओर, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा होती है। आपने देखा होगा इस देश में कहीं रेप हो, कहीं हत्या हो, जिसके साथ कोई खड़ा ना होता उसके साथ चंद्रशेखर भाई खड़े होता है, क्योंकि यहाँ सामंती व्यवस्था पहले से प्रभावी है। क्योंकि आज मुझे जो जानकारी लगी कि प्रशासन को सूचना दी गई थी भाई चंद्रशेखर आजाद जी देवबंद में आ रहे हैं, ऐसी जी बात है, हमारे कार्यकर्ता की माता जी का देहांत हुआ था। लेकिन उसके बाद प्रशासन का जो ढिलमुल रवैया लगा कि प्रशासन बिल्कुल मौन, कुछ नहीं, और इतनी बड़ी घटना घट जाती है सूचना के बाद, तो मुझे लग रहा है कि कोई षड्यंत्र है। पुनीत हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और सरकार के लिए काफी गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये एक मामला अकेला नहीं है। हमें याद है कि ओवैसी के ऊपर भी कुछ इसी तरह की कोशिश की गई थी कुछ समय पहले। क्या दबाव में है पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए? सरकार के ऊपर राजनीतिक हमले भी शुरू हो गए।
देखिए पुलिस जाहिर तौर पर दबाव में है क्योंकि चंद्रशेखर राजनीति में एक बड़ा नाम उभर रहा है और इसी वजह से भीम आर्मी चीफ है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और काफी तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। दूसरी तरफ पुलिस किसी भी कीमत पर, चूंकि सहारनपुर के देवबंद में यह हमला हुआ है, तो जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ करके असली जो मकसद है जिस वजह से चंद्रशेखर के ऊपर हमला किया गया है वो जानना चाहती है और आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो चंद्रशेखर पर हमला करके अपना फायदा उठाना चाहते हैं, किस तरीके का फायदा उठाना चाहते, ये तमाम सवाल है। क्या ये हमला सियासत के तहत किया गया, ये भी बड़ा सवाल, और इसीलिए पुलिस लगातार कल पूरी रात से अभी तक कई जगहों पर दबिश दे रही है। तमाम टोल नाके के जो फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं और कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये घटनाक्रम पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है और इस बीच पुलिस के सामने चुनौती उन हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की। बहुत शुक्रिया पुनीत इस जानकारी के लिए।